मोदी जी का मन की बात युवा से नहीं, अपने घरवाली से करनी चाहिए थी। देखो, युवा के बात मन की बात सुननी चाहिए ना कि अपनी मन की बात। जब तक बीजेपी सत्ता में नहीं थी, इतना हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। सच अगर बोल ना पाओ तो उससे अच्छा कि मर जाना, क्योंकि हम अपने देश के लिए जीते हैं, हम देश को बचाने के लिए जीते हैं। अगर हम देश को बचा ही नहीं पाएंगे तो अच्छा है कि हम देश पे कुर्बान हो जाए। युवा की पसंद नरेंद्र मोदी नहीं है, वो कुछ उनके अनुभक्त बच्चे हैं जो लग रहे हैं कि मोदी है तो सब मुमकिन है, लेकिन मोदी है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। पीएम को हैक करना कौन सी बड़ी बात है, जब हमारा फेसबुक, ट्विटर, ऐसे तमाम सोशल साइट और भी चीजें हैक होती हैं, हमारा लैपटॉप हैक हो सकता है, तो ईवीएम को हैक करने में कितना टाइम लगता है। दुनिया भर में डंका बज रहा है मोदी जी का, देखिए कितने वो गोदी मीडिया के नजरों में बज रहा है, लेकिन डंका क्या बज रहा है, पूरे भारत में थू-थू हो रही है। महिला पहलवान के साथ इसी जंतर मंतर में उन्होंने जो हादसा किया उससे हमारे वो डंका बजा रहे थे या थू-थू करवा रहे थे। और अभी जो मणिपुर कांड हुआ उससे जो है ना देश में डंका बज रहा है या देश की थू-थू हो रही है, दुनिया भर में वो थुपा रहे हैं, गोदी मीडिया कह रही है, वो जो है ना विश्वगुरु बना रहे हैं। ये जो है ना सिर्फ बीजेपी वालों के आईटी सेल के थ्रू जो है ना लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रहा है। कोरोना के काल में जब शिक्षा की जरूरत थी, शिक्षा नहीं हुई, रैली हुई, आखिर हुआ क्यों? अगर कोरोना अगर जनता के लिए शिक्षा के लिए कोरोना तो रैली के लिए कोरोना क्यों नहीं था? ये सारी 2024 में युवा क्या दोबारा प्रधानमंत्री को बनाएंगे, नरेंद्र मोदी को या फिर बदलेंगे? बिल्कुल नहीं, युवा की पसंद नरेंद्र मोदी नहीं है, वो कुछ उनके अनुभक्त बच्चे हैं जो लग रहे हैं कि मोदी है तो सब मुमकिन है, लेकिन मोदी है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर मोदी अगर होते हैं, मोदी जी नहीं तो फिर कौन? मोदी नहीं तो कौन? ये सवाल कर रहे हैं मोदी जी के समर्थक। मोदी जी से बेहतर वो लोग होंगे जो पढ़े लिखे हों, ना कि चाय खुद बोल रहे हैं, चाय बेचने वाले हैं, चाय बेचने वाले क्या देश के लिए क्या कर सकते हैं? जिनके पास नॉलेज नहीं होगा, वो फर्जी डिग्री वाले देश को क्या चलाएंगे? जिनको इकोनॉमिक नहीं पता है, आज ये देश की इकोनॉमिक गिर गई है, तो वो ऐसे को हम क्यों बनाए? अगर कोई बन सकता है, राहुल गांधी बन सकते हैं, और भी ऐसे तमाम चेहरे हैं जो बन सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन कहीं से नरेंद्र मोदी और योगी इस देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। उन्होंने तो खुद को घोषित कर दिया है कि जो काम अधूरे रह गए हैं वो तीसरे कार्यकाल में पूरे होंगे। हाँ ना, तो देश को अब आधा से ज्यादा तो बेच चुके हैं, आधा बेच लेंगे तो उनका पूरा कार्यकाल खत्म, 15 साल के अंदर वो पूरे देश को बेच लेंगे, तबाह कर देंगे, कर्जे में ऊपर से नीचे डुबा देंगे, जनता बेहाल होगी, उनके झोला उठाएंगे चल देंगे वो, उनका है क्या? बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट रहती है, क्या कारण लगता है? ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं, ईवीएम को लेकर के आपकी क्या राय है? आज दुनिया में कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको हैक नहीं किया जा सकता है, तो ईवीएम को हैक करना कौन सी बड़ी बात है? जब हमारा फेसबुक, ट्विटर, ऐसे तमाम सोशल साइट और भी चीजें हैक होती हैं, हमारा लैपटॉप हैक हो सकता है, तो ईवीएम को हैक करने में कितना टाइम लगे? क्या ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो सकता है? वो हैक होता है इसलिए बीजेपी जीतती है। बीजेपी ईवीएम से बन रही है सरकार जी, क्योंकि बिहार में फिर विपक्ष को एंड इंडिया गठबंधन बनाने से पहले ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए, उसके खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए। तो उसके खिलाफ तो बोले, लेकिन ये लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है। कितनी बार ये जो है ना मामला सामने आया ईवीएम को लेकर कि उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है, लेकिन लोग बोलते हैं, लेकिन वही है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी पावर में बीजेपी है तो इसलिए उनकी बात चल रही है। अभी जो बीजेपी में है, बड़ा से बड़ा क्रिमिनल जो है ना, सांप दागी और साधु बन जाते हैं। आप इतना खुलकर बोल रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? अभी देखो मुंबई ट्रेन में मोदी योगी के खिलाफ बोलने पर हत्या कर दी उसने पुलिस के जवान ने। मैं किससे डरूं? मर जाना अच्छा है ऐसे जो ऐसे समाज में रहने से अच्छा। सच अगर बोल ना पाओ तो उससे अच्छा कि मर जाना, क्योंकि हम अपने देश के लिए जीते हैं, हम देश को बचाने के लिए जीते हैं। अगर हम देश को बचा ही नहीं पाएंगे तो अच्छा है कि हम देश पे कुर्बान हो जाए। मुझे डर नहीं लगता है, डर उनको लगना चाहिए जो गलत कर रहे हैं। ये देखिए ना कि बीजेपी के मोदी जी के भक्त हैं जो क्राइम कर रहे हैं, लेकिन वो छूट जाएंगे। मोदी के खिलाफ कोई बोलेगा उसकी हत्या हो जाएगी,
ये कहाँ का, आज तक कोई ऐसे प्रधानमंत्री के लिए नहीं हुआ कि जो है ना कि उसके खिलाफ कोई बोला और उसकी हत्या हो जाती है। अरे मेरे ये लोकतंत्र का पे खतरा है कि हम अपने विचार को नहीं रख सकते। महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मारा जा रहा है, हमारे संविधान के साथ खेला जा रहा है। देश का यही माहौल है कि भीम साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को, उनके संविधानों को जला डालो और मनुवादी ला करके देश को बर्बाद कर दो। कह रहे हैं कि जो मीडिया ने पिछले कुछ सालों में जो नफरत फैलाई है देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर, उसका ये नतीजा है। ये मीडिया से ज्यादा ये बीजेपी वालों ने फैलाया। जब तक बीजेपी सत्ता में नहीं थी इतना हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। हिंदू मुस्लिम आज से नहीं, हजारों साल से एक साथ एक घर में आस पास पड़ोसी बन के रहते थे। इतनी नफरत पहले कभी नहीं फैली थी। जब से बीजेपी आई है ये राम मंदिर का मुद्दा उठा के, बाबरी मंदिर का मुद्दा उठा के हर बात में मुसलमानों को टारगेट, वो साफ सीधी सी बात है, एक कम्युनिटी को हमेशा से टारगेट करते आई है। जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि रामनवमी के टाइम में मस्जिद को बिहार में कैसे जलाया गया। ये कौन जलाया? ये कोई जो है ना आरएस और बीजेपी वालों ने मिलकर जलाया, उनके जो अंधभक्त बच्चे हैं उन्होंने जलाया। क्या इस पे कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि ये अभी सत्ता में है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंसान जब तक शिक्षित नहीं हो उसको समझ में नहीं है क्या सही है क्या गलत है। और आप देखे होंगे कि कोरोना काल में शिक्षा ही बंद था, बाकी सब कुछ चल रहा था। तो ये शिक्षा पे हमला कर रहे हैं। जब इंसान शिक्षित होगा तो आपसे सवाल करेगा, जब वो पढ़ाई लिखाई नहीं होगा तो वो आपसे क्या सवाल करेगा? आप जो कहिएगा तो उसमें हामी हामी करेंगे। वो नई शिक्षा नीति ला कर जो है ना शिक्षा पे हमला की है कि गरीब तबके आम लोग जो है ना अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते हैं। जब अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे बदवा मजबूरी तो बनेंगे। देश के युवा को मन की बात पसंद नहीं आ रही है मोदी जी के। मोदी जी का मन की बात युवा से नहीं, अपने घरवाली से करनी चाहिए थी। युवा से उनके मन की बात लेनी चाहिए थी कि युवा क्या चाहते हैं, देश की तरक्की कैसे होनी चाहिए, देश में क्या चाहिए, युवाओं को क्या परेशानी है। उनको युवा के बात मन की बात सुननी चाहिए ना कि अपनी मन की बात। आप अपनी मन की बात तो कर ही रहे हो जैसे रोजगार के सवाल, और ज्यादा पर्सनल करने तो आप अपनी घरवाली के साथ करो ना, जिसको छोड़ के आप भाग गए। मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, मोदी जी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ, चौकीदार हूँ। उनके साथ बहुत सारे ऐसे चौकीदार भी थे। आज जो मणिपुर में कांड हो रहा है 80-90 दिनों से जो हो रहा है कांड, उसको अभी तक रोका क्यों नहीं गया? चौकीदार है तो आपने चौकीदारी क्यों नहीं की? उन दो महिलाओं के साथ वैसा क्यों हुआ? पूरा 150-200 जो है ना नौजवान क्यों वहाँ पे नरसंहार हुआ? जवाब कौन देगा? प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री हो या प्रधान सेवक को जवाब तो अभी को देना होगा, क्योंकि देश आपके हाथ में, तो जवाब आप ही को देना। आपने मणिपुर की आग को बुझाने की जगह आप अमेरिका का दौरा करना पसंद किए। आप देश, आपका घर अगर जल रहा होगा आप घर बचाओगे कि आप बाहर जाओगे पैसे कमाने के लिए? आप ही इसका जवाब।